This is, I mean, too much. You can go on arresting people under false charges like this. क्या लोकतंत्र अब भी कुछ बाकी बचा है यहाँ? जो भी प्रोटेस्ट करता है उसको माओवादी बना देते हैं। तो कल को जो है किसी को भी कुछ खत्म करना हो तो कोई माओइस्ट। ये लोग जो इसे तालाब में से मछली निकालते हैं ना, तो बहुत बड़ा जाल फेंक रहा है ये लोग। और उनका आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन क्या है? It does not mean that उसके बेसिस पे आप अरेस्ट करो। यानी कि बीजेपी डरा हुआ है और डर के ये सब कर रहा है वो। पूरा विच हंटिंग हो रहा है। हम लोग जानते हैं भीमा कोरेगांव में जो पूरा वायलेंस हुआ, मिलिंद शिंदे जितने भी बीजेपी आरएसएस के सारे वर्कर्स थे वहाँ पर, उन लोगों ने वो पूरा वायलेंस किया दो लोगों के ऊपर पूरी तरह से। जब ये भी बात सामने आई कि ये दो लोग हैं जिन्होंने ये वायलेंस किया है, अभी तक तो उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया जो आरएसएस की एफिलिएटेड फैमिली से मेम्बर्स हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर्स थे, जिन लोगों ने इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया भीमा कोरेगांव के, और जितने वहाँ के लॉयर्स प्रोग्रेसिव एक्टिविस्ट थे, उन लोगों के ऊपर फेक चार्जेस लगा के उनका अरेस्ट किया गया है। सो ऑन द वन हैंड यू आर एबल टू गेट इन पीपल विदाउट एनी एविडेंस व्हाटसोएवर एंड पुट द ग्रेवेस्ट पॉसिबल लॉज ऑफ द लैंड एज दे करंटली एग्जिस्ट इनटू द यू नो अगेंस्ट देम, एंड ऑन द अदर हैंड वेयर देयर एक्चुअली इज स्ट्रांग एविडेंस वेयर द डिनायल ऑफ बेल हैज बीन ग्रांटेड बाय द कोर्ट्स, दे आर नॉनदलेस गोइंग फ्री। इसमें नक्सलवाद और माओवाद का एक एंगल जोड़ा जा रहा है ताकि दो तरह के जो रेसिस्टेंस हैं उनको अलग अलग किया जा सके, उनमें विभाजन पैदा किया जा सके, गलतफहमियां पैदा की जा सके, और इसी उद्देश्य से पुलिस ने इन गिरफ्तारियों को अंजाम दिया। किसी को कहीं से उठाया, किसी को कहीं से उठाया, कुछ लोग दिल्ली से लिए, तो इनमें से कई सारे लोग जो है या तो टीचर हैं, एक तो कम से कम टीचर है और एक दो तो एकेडमिक भी हैं, और बाकी लोग जो है सोशल तमाम सारे दलित एक्टिविस्ट, जनवादी एक्टिविस्ट को बहुत ही सेंसेशनल, जिसको बोलते हैं सनसनीखेज तरीके से सुबह सुबह सब तीनों शहरों से उठा लिया गया। एनी नंबर ऑफ पीपल कैन हैव सिंपथीज विद एन इशू लाइक भीमगांव, बट इट वाज हैड नथिंग टू डू विद माओइज्म, इट वाज अबाउट दलित अपराइजिंग्स एंड दलित सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर मुसलमान है तो टेररिस्ट है, अगर दलित या जनवादी संगठनों का कार्यकर्ता है तो माओइस्ट है। ऐसे में इन सभी लोगों को इम्प्लिकेट करना, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार के एक तरह के डर और डेस्पिरेशन को दिखा रहा है। आज जब दलित राजनीति वहाँ बहुत तेज़ी से भाजपा आरएसएस की राजनीति को चैलेंज कर रही है, उसको दबाने के लिए उसके पक्ष में खड़े होने वाले सारी ताकतों के बीच न सिर्फ उनको दबाना बट उनमें गलतफहमियाँ पैदा करना, उनमें विभाजन पैदा करना, उसके तहत यह गिरफ्तारी।